एक जो चीज़ मुझे लग रही है जो मिसिंग है उसको मैं ढूंढ रही थी, और रोमांटिक ड्रामा है राइट, ऑब्सेसिव रोमांटिक ड्रामा है, उसमें हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। अब कोमल जो है ना, कोमल बहुत पतीत सी, प्यारी सी, छोटी सी, क्यूट सी बच्ची है, वो खुशहाल फेरी टेल वाला लड़का, वो उस कैटेगरी में उस हीरोज के साथ जचती है, नॉट विद दानिश। दानिश के साथ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली शुड हैव बीन अनदर मैच। और ये लोगों ने भी कमेंट्स में बोला है, जहाँ फिर एक बड़ी सोशल मीडिया पे कमेंट्स चल रहे थे कि क्या हुआ, इतने उसको बुली क्यों कर रहे हो लड़की को। आई थिंक बुली नहीं कर रहे उनको, दानिश के साथ वो सजती भी नज़र नहीं आ रही, कि कंपैटिबल नहीं है। और मुझे भी लगा कि शी इज़ नॉट गोइंग वेल विद दानिश। दानिश का बहुत एक्सपीरियंस, और इस तरह के रोल में तो वो PhD है, मास्टर है, बहुत अच्छी तरह करता है, कमांड आँखें बंद करके वो ऐसे सीन्स कर सकता है, इज़ सो गुड एट दैट। लेकिन उधर वहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की चाहिए थी, जिसकी ऐसी प्रेजेंस हो जो एक एडिक्ट को सही कर सके, रिफॉर्म कर सके, उसको एक ना उसके ऊपर से आके ज़रा बात करे, नो ऐसे नहीं, थोड़ी ओवर पावरिंग ऐसे लड़के। लेकिन डोमिनेटिंग लग रहा है कि वो बहुत एक इनोसेंट लड़की दिखाई है, जो अपनी इनोसेंस से उसको उस तरफ लेके जा रही है। नहीं, इनोसेंस से ज़्यादा ऐसे सिचुएशंस में थोड़ा सा डोमिनेटिंग चाहिए होती हैं स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ, जो आपको सही रास्ते पर लेके आए। तो इनोसेंस भी अपनी जगह, लेकिन मुझे लग रहा है दोनों में केमिस्ट्री लैक कर रही है, दोनों की आपस में। और मैं हमेशा ड्रामे में केमिस्ट्री, चलिए तो उस पे बात, अभी डायरेक्शन की बात, मैं डायरेक्शन में ही कह रही हूँ। okay. फिर कास्टिंग में मुझे लगा है कि जो मसला डायरेक्शन सीन्स, ऑब्वियसली मुझे मजे की नहीं लग रहे, बिकॉज मुझे दानिश के साथ कोमल मीर मैच करती भी नहीं नज़र आ रही, वो नहीं मज़ा आ रहा। आई थिंक कोमल किसी और के साथ होती है, दानिश किसी और एक्टर के साथ होता है ना, तो अच्छा लगता ज़्यादा, दैट्स वन प्रॉब्लम। देन अगेन एडिक्ट वाला, रीहैब वाला रीज़न, पेरेंट्स वाला, वो सारा। बट शूट अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ, नॉर्थ से शुरू किया, अच्छे सीन्स, फिर वही बस वाले सवाल, चीज़ें सारे डायरेक्टर के हिस्से में ही आते हैं। तो अभी तक फर्स्ट एपिसोड में तो नहीं, दिल को नहीं लगा, ठा करके नहीं लगा। दानिश ने बहुत जान मारी है, लेकिन डायरेक्टर अभी तक उसको कन्विंस नहीं कर सका, ग्रिप नहीं कर सकी स्टोरी फर्स्ट एपिसोड में। सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। OST इज़ नाइस, वजी फारूकी ने गाना गाया, ये खुद बनाया, बहुत अच्छा। The song is nice. Numbers. OST भी अच्छा है. 5 also for the director. 5. Okay, जो आप कोमल के कैरेक्टर को बनाया ही नहीं गया, कि अपीयरेंस वाइज कोमल ने बनाना था ना, किसने बनाना था? वही कि कुछ बोलने में डिफरेंट हो। रमजान वाले आपको याद होगा, इसने कॉमेडी प्ले किया तो उसमें इसने कपड़े, जैकेट्स, बोलने में डिफरेंट किया था, अच्छा लग रहा था। इसमें शी इज कोमल एज कोमल, ना बालों में, ना अपीयरेंस में, ना कपड़ों में, ना कैरेक्टर में, किसी चीज में कुछ टेलीविजन नहीं is, है। टेलीविजन इज नॉट अबाउट चेंजिंग योर सेल्फ एवरी टाइम, हाँ, बट इट इज अबाउट हाउ यू मेक अ सीन बिलीवेबल। दैट इज द जॉब। पीछे देखूं कलंदर में डिफरेंट थी, वो जो रमजान वाला उसमें डिफरेंट थी, इसमें डिफरेंट लगी है मुझे। अब मुझे लगा कि उसको ना इस कैरेक्टर का थोड़ा सा, जिस तरह कपड़ों में, चीजों में, बालों में कुछ अगर स्टाइल दे देती है तो ज्यादा मजे का लगता। मुझे बहुत प्लेन लगा उस हिसाब से। प्लस दानिश के साथ सीन्स अभी वीक हैं, और साथ में डायलॉग्स वगैरह अभी सारे मुझे दानिश के साथ जो हैं वो अभी कमज़ोर हैं, क्योंकि वो बहुत ऊपर से अपने बड़े इंटेंस उसके साथ आ रहा है। कोमल का अभी थोड़ा हल्का काम है। आई थिंक अगेन 5th एपिसोड में कुछ भी हो सकता है, 5th तक जब जाएं, अभी तक इट्स ओके। अभी नंबर्स टाइम लगेगा। 5 ऑल्सो। 5 जॉब। फर्स्ट एपिसोड पे 10-11 मिलियन व्यूज आना बहुत बड़ी बात है, बहुत दिनों में हम पहले दिन फैन फॉलोइंग है। प्लस वर्ल्ड कप चल रहा है जी, व्यूज इसलिए भी नहीं आ रहे ड्रामास के, और इसमें स्टिल ही गेट्स सच अ बिग ऑडियंस, ये बहुत बड़ी बात है। स्टार पुल देखो इसकी, तो ये बड़ी मेजर ट्रैफिक लेके इस चैनल पे आ गया है दानिश, और प्रीवियस वर्क की वजह से भी लास्ट लोगों को काम याद है, और ये थोड़ा सा उनको लग रहा है कि सिमिलर है ये वो, तो चलो अच्छा है हम और देखें। मुझे बस ये लगा कि पेरेंट्स के साथ भी सीन होना चाहिए था, एक वैरायटी नज़र आती फर्स्ट एपिसोड में। मुझे समझ नहीं आ रही इतनी जल्दी में कि उसको सारा रोमांस दिखाया कि इतना बढ़ गया इन द वेरी फर्स्ट एपिसोड। हालांकि ये वैसे उसके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता, थोड़ा सा एक टाइम होता इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती। मुझे नहीं पता कि डायरेक्टर की जल्दी में राइटिंग एंड डायरेक्शन। हाँ, मैं अभी सोचूं, मेरे भी जहन में आया कि इतनी जल्दी में क्यों रोमांस दिखा रहे हैं, थोड़ा कुछ अगर स्लो होता तो बड़े अच्छे सीन्स आने थे, बड़े मज़ेदार सीन्स आते, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता। लेकिन इनका तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग मंगनी पे बात आ गई है। तो परफॉर्मेंस की जहाँ बात करूँ, लुक की, ही वॉज फाइन फॉर मी। हाँ, थोड़ा फर्स्ट सीन, ही वॉज ऑल्सो फाइन इन द फर्स्ट सीन। मुझे दानिश का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी सीन में लगाई, आई थिंक ही इज़ फाइन इन एवरी सीन। ओवरऑल जो सारा एनवायरनमेंट है, जो डायलॉग्स, जो हीरोइन की तरफ से इसको इम्पैक्ट इसके सीन्स को मिल रहा है, वहाँ वीकनेस है।
डायरेक्शन में वीकनेस आ जाती है, बट दानिश अपना रोल फर्स्ट क्लास दे दे, आठ दे रही हूँ, दे 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 दे, एट फॉर यू दानिश, दे 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 दे, आठ की दुकान, आठ की दुकान, आठ की दुकान, मुझे तो यहाँ से बैठने मिली, आठ की दुकान, नहीं भाई तब अच्छा हैंडसम लग रहा था हमारे दानिश, क्या करें, लगता है कि हमारे ड्रामास चाहे कितनी ज़बरदस्त टीम हो फर्स्ट एपिसोड अच्छा नहीं बना पाते मोस्टली, फर्स्ट एपिसोड बड़ा गम देता है, व्यूज़ बहुत आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, वो फैंस हैं जो देखना चाह रहे हैं अपने पिछले ड्रामे का ना नशा होता है उनके ऊपर, तो कहते हैं भाई वही उसकी डोज मिलेगी तो उससे कनेक्टेड होता है, लेकिन मुझे फर्स्ट एपिसोड डिसअपॉइंट ही करता है नॉर्मली, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ बहुत वीक होते हैं, जो आगे जाके फिर कुछ ड्रामा इश्क मुर्शिद फॉर एग्जांपल उसके बाद फिर जाके उसकी ग्रिप पकड़ता है, तो फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से मुझे लगा बहुत सारी फिल्म्स का कोई मिक्सचर है, 5-6 फिल्म्स का ना, एक इसका सीन उठा लिया, एक उसका सीन उठा लिया, बट स्टिल कुछ सीन्स अच्छे ही तब लगते हैं, जैसे खुदकुशी हो रही तो लड़की आके ना ज़रा असर्टिव वे में आएगी, पागल हो गए क्या कर रहे हैं आप, क्या कूदने लगे थे, क्या कर रहे हैं, इतना बोलेगी तो उससे वो अपने स्टेट ऑफ माइंड से निकलता है, वो तो आके इतने आराम से प्यार से क्या कर रहे हैं, क्या जिंदगी बहुत है सीन, उसने ना पेस गिरा दिया, उसमें सीन बिठा लिया, क्योंकि शी स्पोक वेरी स्लो, उसमें उसको हाइपर आना चाहिए था, एकदम डरने की बात है, प्लस ये कि वो इतनी देर से इतने डायलॉग्स बोल रहा था ऐसे देख के, सामने तो लड़कियों की बस थी, वो इसको देख रही है तो इसको वो नहीं नजर आए, बहुत क्लोज थी वो लड़कियों की बस, कोई इधर उधर होती ना ऊपर नीचे, वो तो सामने खड़ी थी, तो जब ये डायलॉग्स अपने बोल रहा था जिंदगी जो भी है, तो उसने क्यों नहीं बच्ची देखी, मैं मुझे लगा वीडियो बना रही होंगी, ये हमारी वैन है, ये पीछे लड़का खुदकुशी कर रहा है और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है, ये बनती वायरल वैसी वैन वैसी बच्चियाँ पीछे, बस फर्क था पीछे खुदकुशी हो रही है, तो ये थोड़ा मुझे हल्का लगा सीन, द वे कोमल मीर सेड हर लाइंस करवाया उससे, लेकिन वो बैठ गया, वो ज़रा फुल ऑन आना चाहिए था ताकि वो सीधा होता, मोहब्बत भी होती गुस्से से मोहब्बत होती है। उसके बाद जो चीज़ मुझे अजीब लगी वो ये कि देखिए जो रीज़न उसने बताया ड्रग्स का कि मम्मी डैडी टाइम नहीं देते, वो अब इतने मेच्योर एक्टर के ऊपर मुझे नहीं सूट कर रहा था, उसके लिए कोई ना खुशहाल टाइप एज का बच्चा हो मम्मी डैडी टाइम नहीं देते, ये निकल गया उस रेंज से, इसको तो लेकिन लेकिन अगर आप ड्रग्स सेटल्ड होगा लड़का नहीं, ड्रग्स में बिल्कुल है, ड्रग्स की इस एज में वजह हो सकती है इश्क, दिल टूटना, किसी ने मेरा दिल तोड़ा, किसी ने ये किया, लेकिन मम्मी डैडी मुझे टाइम नहीं दे रहे, वो इतने मेच्योर एक्टर के साथ नहीं, मुझे नहीं मजा आया, इट शुड हैव बीन समथिंग एल्स, आई थिंक दिल टूटा, लेकिन मम्मी डैडी टाइम नहीं दे रहे इस उम्र के एक्टर, आपके जो मेच्योरिटी जो एक्टर की एज भी दिखाई हुई है उसमें, उसके साथ नहीं जा रहा कि उसकी वजह से इसने ड्रग्स ली, उसकी वजह से, और उसकी वजह से मम्मी डैडी लेने नहीं आया तो खुदकुशी भी कर रहा है, तो ये मम्मी डैडी बॉय है और उसको मतलब वो भी मुझे समझ नहीं आया, लेकिन नाश्ता भी नहीं करता मम्मी डैडी के साथ, रीज़न शुड हैव बीन समथिंग एल्स, तो और माचो लगता मेरा हीरो, कोई बात नहीं दिल तोड़ा है लड़की चली गई, इट्स ओके ही स्टिल हैंडसम, लेकिन मम्मी डैडी का ओके उसमें जो मेरा हीरो का ना इमेज ख़राब होता है, और दानिश हीरो है भाई। उसके बाद फिर और कुछ 8-9 फिल्मों के 90s की फिल्मों के सीन आए, मैंने प्यार तुम्हें से किया है वो वाला कुछ आया, स्विमिंग हो रही है, ज़बरदस्त सीन चल रहा है, उसको छेड़ा है, फौरन पहुँचो, वहाँ पहुँच गया, वो लड़का लग रहा था कि उसने छेड़ा होगा, और किस तरह से छेड़ा था क्या किया था उसने, सीटी बजाई थी, मैसेज भेजा था क्या था, कैसे छेड़ा था, और वो लड़का मतलब पूरे आपने यूनिवर्सिटी में बिल्कुल ही बेचारा फारिग बच्चा लिया जो छेड़ा था इसको तो बताना ही नहीं चाहिए था शर्म के मारे किसने छेड़ा वो था ऑफ, फिर चोट की कोई वजह नहीं थी, आप किसी भी तरह एक बेंच पे गिरे ना आपका इतना खून नहीं निकल सकता, अनलेस वहां से कीले निकली हो, छुरियां निकली हुई हो, कुछ ऐसे नेजे निकल रहे हो, तो आप किस तरह गिरी हैं कि आपको इतना खून आपका निकल रहा है हाथ से। उसके बाद डॉक्टर बस रोमांस डेवलप करना है ज़बरदस्ती, मैंने सबा फैसल और फैमिली वाले सीन वो मैंने इन्जॉय किए कि मैं घर कमरा डेकोरेट करना चाह रहे हैं और ये और वो सारा हो जाता, तुम नहीं करोगी फिर आगे और फ्री हो जाओगी, तो वो अच्छा था, उससे मुझे नज़र आ रहा है कि मम्मी डैडी बहुत पार्टी वाले पेरेंट्स ये समझ नहीं आ रहा हमारे क्यों ड्रामों में इतने पार्टी वाले पेरेंट्स आ गए हैं ना अभी, हाँ बस शहर में वो भी यहाँ एक पार्टी थ्रो करें, एक पार्टी करते हैं, तो इमोजी, तो इमोजी दिखा दे, पार्टी वाला ड्रामा में बच्चे ठीक है माँ बाप खराब है तो फिर उसके बाद बहन उसको ना भूलना, कोमल वीर की बहन आई, सारा सरप्राइज तुमने खत्म किया, शराब
कौन सी बहन थी ना मां बाप आपके ड्रामों की दुनिया में एक सबसे अलग सी बहन आ गई है जो जहर लगती है उसको अपनी बहन से कह रहे शराब आई लव द शराब लेकिन मुझे वहां पे कोमल समझ नहीं आया अगर दो ही बहनें हो और बाप की तुम करने लगे हो बेटे तो उसे बुला लो हाँ ये बहन उसने भी नहीं बुलाया बहन वाज टोटली जस्टिफाइड हाँ वो जस्टिफाइड था उसका तुम कर रही हो तुम उन्हें मुझे नहीं बुलाया पहले तो डायरेक्टर भूल गया ना कि मुझे सीरियस म्यूजिक लगाना है पहले तो जो बहन आई ना क्या कर रही है वो उसमें मैं समझी मजाक कर रही है उसके बाद डायरेक्टर को म्यूजिक चाहिए सैड म्यूजिक लगाओ फिर उसके बाद समझ आया कि बहन असल में तपी हुई है फिर उसका मान भी खींचे कि कैट तो बस अच्छा वो अलग प्लान करिए अपनी बहन को बताए बगैर वो अलग प्लान कर रही है बगैर बताए कोमल मेरे को तो बताना चाहिए था ना कि या तो ये दिखाते बुलाती उसको क्या सरप्राइज है उस पर वो तपती कि क्या सरप्राइज है तुमने और कोमल मीर ने जो टाइटल में सूट पहना है मेरे पास सेम वही है मेरी वीडियो देख ले जो बड़ी वो खुशी हुई अच्छा, बड़ा प्यारा सूट हमारी सेम चॉइस स्ट्रेट फेस ओके जी हां नहीं ब्लैंक